नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। पिछले दो हफ्तों से फिल्म पद्मावती को लेकर देश भर में प्रदर्शन हुए, धमकियां दी गई, बयानबाजी हुई। पद्मावती स्टूडियो पर बहस हुई। सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट ऑफ आवर कंट्री। पद्मावती सो आई वांट स्टार्ट विद हिम। राज, नाम तो सुना होगा। सबसे पावरफुल या ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है, किस तरह से आप देखते हैं? आप मानते हैं? इस बहन के सगे को कोई सीरियसली नहीं लेता, मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। आप मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। अरे ये क्या बात है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज मिस्टर अंबानीज लाफ्टर। अंबानी जी को राजदीप का बैंड बजा के कितना आनंद मिल रहा है। अरे क्या बात, अरे ये क्या बात है। राजीव इज लाइक, ऐसे कैसे सर, आपने तो मेरी कह के ले ली। मतलब मिस्टर अंबानी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राजदीप एक खूतिया है। ऑल ऑफ अस सॉ दिस क्लिप ऑन द इंटरनेट, बट लेट्स गो फॉर द फुल इंटरव्यू। लुक एट द एक्साइटमेंट ऑफ राजदीप हियर। हमारे साथ देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति है। यू नो इट्स मोर लाइक बुलाओ कभी हवेली पे। एंड लुक एट द एक्साइटमेंट ऑफ मिस्टर अंबानी। अभी भोपाली का पकाएगा। मुकेश अंबानी खाना क्या पसंद करते हैं? फिलहाल तो तू मेरा भेजा कर रहा है, होती है। No, it's interesting. Listen to it. मुकेश अंबानी खाना क्या पसंद करते हैं? हमारा फेवरेट फ्रूट साउथ इंडियन है, इडली सांभर। इडली सांभर पसंद है? तो पहचो अंबानी होने का क्या फायदा हुआ, ये तो मुझे भी पसंद है। Anyway, focus on Rajdeep. And if you go on Twitter, people are more brutal with him. For example, this picture. People are like Kamal Kichad. कमल हसन लोड़ा लसन। राजदीप क्लास का वो बच्चा है जिसकी हर कोई लेता है। लेट मी कंप्लीट, यू डोंट हैव दिस हैबिट। आई एम सॉरी टू टेल यू एंड रिमाइंड यू, यू आर इंटरफेरिंग द फॉर्मर प्रेसिडेंट। प्लीज हैव द नेसेसरी कर्टसी। डोंट इंटरप्ट। आज सरल शब्दों में वो कहना चाहते हैं, ढंग से बात कर गाड़ू। राजदीप बस हो गया अभी, आज के बाद अदरवाइज मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। ओके, यहाँ लास्ट ब्रेक लेंगे। हर कोई बस राजदीप का चूतिया काट रहा है। मोदी जी, कोई एक व्यक्ति जिसको एंकर बनने का अवसर मिल गया है, वो अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करे। और इसके बाद भक्तों ने राजदीप के घोड़े लगा दिए, यूएस तक नहीं छोड़ा। अरे बहुत ट्रोल किया जी, इतना ट्रोल किया, मतलब कह के ले ली राजदीप की। पर सोचने वाली बात ये कि भक्त ट्रोल कर रहे हैं जो ऑलरेडी ट्रोल्ड है। मतलब भक्त सबसे ज्यादा ट्रोल हो चुके हैं, चूतिए बन चुके हैं, और उसके बाद राजदीप की वो ले रहे हैं। तो राजदीप की हालत तो बड़ी दयनीय हो गई जी। चल बे चूतिए, तू चूतिया। कुछ लोगों के पास क्लास कम है, पैसा ज्यादा है, ये मुश्किल है। अच्छा, तुम गली के लौंडों की तरह वहां जाके लड़ाई कर रहे हो और बोल रहे हो उनके पास क्लास नहीं है। ही इज द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, पीपल शुड रिस्पेक्ट हिम, बट लुक एट दिस मुर्दाबाद। Just like Mr. Ambani, the entire nation is saying. No, मैं आपको seriously लेता नहीं। We don't respect him, we don't trust him, because we know he is biased. ये big गई है गुरमीत। Okay, now after senior, let's talk about the junior. ये जो junior है ना जी, ये बहुत बड़ा भोसड़ पप्पू है। पैंचो बोलने ही नहीं देता है। चल बे चूतिया। तू चूतिया। You are not allowing me to speak. Don't you think so? No, I don't think so. Allow me to. You are not allowing me to speak. देखा जी, मैं smile कर रहा था politely, पर दिल कर रहा था पैंचो दे के फोड़ दूं। पर मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक ही बात कही। Allow me to. You are not allowing me to speak. बोल, debate करेगा मेरे साथ भोसड़ी के। This guy here is like, अबे इसको तो माता आती है। Will not allow anyone. Look at his behavior here. ऐसी बात नहीं है। स्कूल बुली को कभी कभी इससे भी ज्यादा बड़े बुलीज मिल जाते हैं और इसकी वजह के चले जाते हैं। Why don't be stupid? कि तुम 10th स्टैंडर्ड से मॉन्टेसरी में जा रहे हो। ये अर्णब गोस्वामी की जागीर नहीं है। अर्णब ऐसा है कि सारा हिंदुस्तान अर्णब गोस्वामी का मजाक उड़ाता है। He is the biggest laughing stock because he doesn't let the other guy speak. और पता है, ये अंदर की बात बताता हूँ, जब अर्णब की कोई बहुत ले लेता है ना, तो वो हंस के डीली करने लगता है।
यू सी थिंग्स फ्रॉम योर वेरी नैरोड एंड स्क्यूड वैंटेज पॉइंट एंड पर्सपेक्टिव। Okay, leave that. This is his style. But the problem is his channel, Republic. वही बात बोल रहा है। दे देंगे दो मुकद नाच के गिर जाओगे। And जो चैनल का नाम रखा Republic पर होती डिक्टेटरशिप है। Intention दिखती है ना आपकी? Intention दिखती है ना? आप किस intention से आते हैं? चलिए आप बैठिए। Republic now, just get out of here. I'm eating my lunch. Is this the way, sir? This is the only argument. Get out. So the point is, your own man Friday who's speaking. Please take over. And they are particularly targeting only one party and their people. We know that. LV गांडू कटले भाग यहां से फसड़ गए। अजय गांडू सिर पे बैठ गया मेरे। This is favoritism, not journalism. Personal interest. आपने जितनी personal रुचि रखी है foreign policy में। अरे foreign policy चचा का बस चले तो प्लेन से ना उतरे। शायद ही previous prime ministers ने रखी है। हाँ वैसे आपने वो सुना जो मैंने सुना। हाँ ये तो फिर भी ठीक है, कुछ जर्नलिस्ट तो हद कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। मोदी जी को बाप बना लिया तो बाप को क्या बनाओगे? दिस इज द रियल सिनेरियो ऑफ इंडियन मीडिया। मैं हूँ अंजना ओम मोदी। अब उसकी बारी जो काम पे पीके आता है और खुद को प्रधानमंत्री समझ लेता है। And now, one of the revolutionary journalists, she has her own ideas. लोग समझ नहीं पाते। No, she got her fame when she was describing this 2000 rupee note, remember? नैनो टेक्नोलॉजी GPS का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो 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 आबा 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 ये कौन सा बेनिफिट है वैंचो? क्या उसको सिग्नल से जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। ओ पैंचो सिग्नल जा रहा है यार, कमाल हो गया यार। 20 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। तो इसलिए ये सबसे अच्छी सब भूल जाओ, पहले मुझे ये बताओ कि ये चूतिया कौन है जो ताली बजा रहा है। ये सबसे अच्छी बात। और ये सफेद शर्ट वाला सोच रहा होगा यार मैं चूतिया हूँ या बनाया जा रहा हूँ। 20 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा। अच्छा तो नोट आवाज लगा रहा है, नोट की आवाज आ रही है यार। And now guys, this is sci-fi. Please listen to this. She's saying something about cows. जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है साथ ही ऑक्सीजन ही छोड़ती है। अरे क्या बोल रही है, ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। अरे गौ माता ने सुन लिया तो वो भी तुम लोगों को बोलेगी। चुप हो जाओ मुसड़ी वालों। And one more. एक तोला घी से यज्ञ करने पर एक टन ऑक्सीजन बनता है। और जी क्या कमाल की बात कह दी महिला ने, ये लो ये घी का डब्बा लो, इसका हवन कर दो, दिल्ली का सारा पोल्यूशन खत्म। वैनचोद मेरे को परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। गोबर हमारी त्वचा के सिर्फ एक गाय के गोबर से, ताजे गोबर से। हाँ गोबर गोबर गोबर, ऐसी बातें तो वही कर सकता है जो खुद गोबर खाता हो। गोबर के दिस इज द न्यू वीड इन द मार्केट कॉल्ड काउ वीड। You can win the election through that. Cow is really beautiful, lovely and innocent creature. पर ये हराम खोर TRP के लिए कैसे यूज़ कर रहे हैं गौ माता को? एक रिसर्च के मुताबिक गाय के एक लीटर मूत्र से 10 मिलीग्राम तक सोना मिल सकता है। कैसे बेशरम लोगो, चुल्लू भर गोमूत्र में डूब मरो सालो। But don't you think so, ये कुछ ज्यादा हो गया? जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है साथ ही ऑक्सीजन ही छोड़ती है। In all honesty, she is a well-known name, a prime-time anchor. And my childhood crush. और अब बारी मेरी क्रश की जी, मेरी प्यारी बरखा। आंखों से आंखों का मिलना देखो जी। But on internet people are calling her news channel का गोविंदा। जब भी मैं गोविंदा पाजी को मिस करता हूँ मैं जाके बरखा दत्त को देख लेता हूँ। Same to same ही है। Let's hear what Arnav wants to say about Barkha. So I do journalism. I don't know what she does.
So I'll do my journalism, she can do what she does. But in reality, they both are not doing journalism. They are doing business. He's supporting one party, she's supporting another party. Arna, BJP ko Barkha, Congress ko, aur ye dekho Barkha ki satai hui Modi ji ki ek gundi. Ki wo keh rahi thi ki ye sare Modi ki gunde aaye hue. मैं क्या मोदी की गुंडी लगती? आप मोदी की गुंडी कैसे हो सकती? मोदी का गुंडा तो कोई और है। मैं क्या मोदी की गुंडी लगती? वो जी दिल कर रहा है थोड़ा सा और चिढ़ाऊं। क्या आप मोदी की गुंडी हैं? मैं क्या मोदी की गुंडी लगती? You know we heard about match fixing, right? But in news media, it's interview fixing. बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी। इंडिया के बाहर जाके कंट्री का नाक कटवाते, लेकिन हमारे जर्नलिस्ट फॉरेनर्स को इंडिया में बुला के कंट्री का नाक कटवाते। You can hear the question first and then decide if you want to answer. No. You might like the question. Because the goal here was to have these young people, you should report on all the wonderful young people. I'm doing that too. Okay, give them a chance. Come on, you're in front of a microphone all the time. No. Sit down. Come on. चूतिया भी किसको बना रही है? ओबामा को चूतिया बना रही है। दूरदृष्टि देखो लड़की की। Padmavati. And now let's finally talk about Padmavati. On prime time, our top news people were discussing about this movie. Ek scene hai jisme Alauddin Khilji ko mans khate dikhayenge. Giving reviews about this movie. I realized in the 3 hours of watching this beautiful epic. Haan, par sach to ye hai ki ye kuch bata nahi rahe the. Ye bahut kuch chupa rahe the. At the same day, when they were discussing about a Bollywood movie on a prime time, this was happening on the street of Delhi. What do they not want you to understand? And that is on the other side of the screen. 300,000 farmers walked the streets of Delhi today. 300,000 farmers from all over the country. From Karnataka and Tamil Nadu and Bihar and Punjab and Rajasthan. From all over the country. Meaning that farmers are in distress all over the country. And something is seriously, seriously wrong. 300,000 farmers were protesting and they are talking about a movie, a Bollywood movie. Aur Raja Ratan Singh ko dhoka dene ki? This is the problem. Yaha big gayi government. They are greedy for money and power. Bahut hi krantikari ho gaya. And not doing their stuffs seriously. जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है साथ ही ऑक्सीजन ही छोड़ती है। सो इफ यू आर वॉकिंग इन अ न्यूज चैनल और वांट टू बी अ जर्नलिस्ट, डोंट बी लाइक देम, बिकॉज इनकी जबान की तरह भी हमारा न्यूज मीडिया लड़खड़ा गया है। पद्मावती स्टूडियो पर बहस हुई।